दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मॉर्निंग के 7:12 हुए हैं यहाँ पर, और मार्केट जो है 9:15 बजे ओपन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आज ट्रेडिंग कैसे करें और किस चीज़ पर फोकस करें आप लोग, कि कौन से ऐसे स्टॉक है जो हैवी वेटेड स्टॉक है जो मार्केट को एक तरफा ले जाएंगे। एक तरफा जिसे कहते हैं, हैवी वेटेड स्टॉक होता है ना, उस पर कभी भी ना शॉर्ट्स नहीं किया करके। प्रमाण दिखाऊंगा मैं आपको। उस पर अगर शॉर्ट्स की सीरीज पर जाके बैठ जाओगे ना, तो वहाँ पर लॉन्ग करके आपके बाय ऑर्डर को काट कर वो आपको आपके प्रीमियम को खाकर वो ऊपर चला जाएगा। बिकॉज के मार्केट में है ना, सबको सपोर्ट रजिस्टेंस सबको पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि वो प्रीमियम, मान लो आपने 250 का लोअर देखा होगा, तो वो आपको 20 रुपये का लोअर ला के रख देगा दूसरी एक्सपायरी के अंदर। तो फिर मतलब क्या? तो यहाँ पर है ना, आपको पहले देखना वो है कि ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जब जो लोग नए लोग जुड़ते हैं ना मुझसे, तो यहाँ पर देख लो कि एक जो सर है मेरे पास जो नए जुड़े हैं यहाँ पर, और उन्होंने ना क्या किया पता है, उन्होंने 5,000 रुपये निवेश किए थे मेरा कोर्स ज्वाइन करने के बाद में। मैंने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि धीरज रखना, पैसा आपको मिलेगा। 5,000 रुपये सिर्फ निवेश किए थे, और यहाँ पर उन्होंने जैसे 5,000 निवेश किए, तो मेरे ही कॉल पर उन्होंने यहाँ पर 18,529 का रिटर्न दिया। और ये रिटर्न जो है ना, ये इनका रिटर्न जो है ना, आप नहीं मानोगे, बिलीवल, इनका रिटर्न जो है इससे भी 3 गुना, यानी 8,72,000 इनका रिटर्न हो सकता है, इनके पास अगर नॉलेज हो तो। लेकिन कहने की बात कि 5,000 रुपये का अगर मान लो 18,529 रुपये रिटर्न हो रहा है, तो ये एक अच्छी एक एजुकेशन के साथ ये जुड़े हैं। इसका मतलब या 3 लाख 5 लाख खर्च करने के बाद में, टेक्निकल सीखने के बाद में, लेवल सीखने के बाद में भी प्रीमियम का नॉलेज 0 मार्केट के अंदर। प्रीमियम का नॉलेज मान लो किसी को आ गया ना मार्केट के अंदर, तो मार्केट में ना समझ लो कि वो सबसे अच्छा ट्रेडर से अच्छा ट्रेनर बनेगा। तो यहाँ पर जो मेरा ग्रुप है, सांचे जैसे ग्रुप जो है ना, यहाँ पर देता है प्रीमियम का नॉलेज। प्रीमियम के नॉलेज में ऐसा है कि समझ लो कि भी अदानी एंटरप्राइज जो 31 अगस्त जो है, तो यहाँ पर साइकोलॉजी ये बोलती है कि भाई यहाँ पर सारे रिटेलर्स बैठ चुके हैं। पहली बात तो रिटेलर यहाँ पे बैठ चुके हैं। अब देख लो उसका चार्ट, देख लो ये जो स्ट्राइक है 2600 की स्ट्राइक है, उसका चार्ट देख लो कि 2600 की स्ट्राइक जो है ना 180 के करीब गई थी, और सपोर्ट लेने के लिए 128 को आई। उसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑपरेटर लोग वहाँ पे बैठे हैं और जो रिटेलर लोग वहाँ बैठे हैं, तो उनको ट्रायंगल बरमूडा की वजह से उनको नीचे लाना पड़ता है, नहीं सपोर्ट पे लाना पड़ता है। अब मार्केट जो है ना, उसका बैकअप मारा और ये 128 पे आ गया। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि ये चैनल जो बना रहा है ना, ये क्रॉस रेजिस्टेंस के चैनल बना रहा है भविष्य के लिए। एक यहाँ पे बनाइए, देख लो। देखो मैं है ना, ये यहाँ पे जाके नहीं दिखाऊंगा आपको मैं पहले। तो आपको अगर ये आदत हो ना, मान लो कि ट्रेडिंग में जाके देखने की अदानी एंटरप्राइज को, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज आपके दिमाग से बाहर चला जाएगा, या कुछ समझ में नहीं आएगा। पहली बात, कुछ भी समझ में नहीं आएगा यहाँ पर। तो इसलिए ना, यहाँ पे आपको प्रीमियम को सीखना है, तो जहाँ पे प्रीमियम को सीखना है वो देखना चाहोगे, या फिर जहाँ पे आपको लेवल को सीखना है वो देखना चाहोगे, मुझे बताओ पहले। चलो क्या सीखना चाहोगे आप? अभी अभी ये जो है ना, इसका गैप मान लो फिल करने गया, तो इस गैप को नहीं देखना है, इस गैप को देखना है यहाँ पर, कि इसने गैप फिल कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे उसने गैप रखा है। तो ये जो चैनल है 120 की चैनल है, 120 119 118 नीचे के जो लेवल है 101 माइनस में, तो ये अंडर वैल्यू एसेट्स हो जा रही है कॉल की। अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अगर अंडर वैल्यू एसेट्स होती है, तो उसे चाहिए पावर। पहली बात, वो ज्यादा नीचे नहीं गिरा सकती। ये प्राइस जो थी ना, वो 81 से गिरी थी, और अदानी एंटरप्राइज ने उसके स्टॉक की वैल्यू को 1,123 रुपये का लोअर दिया था। ये आपने देखना चाहिए पहले कि उसने लोअर कितना दिया था। अभी अभी जो मंदी हुई ना, भयंकर मंदी हुई थी अदानी एंटरप्राइज के अंदर, बहुत जबरदस्त कुछ लफड़ा हो गया था कुछ, तो अदानी एंटरप्राइज जो है ना, उसने लोअर देख लो कितना दिया था। अब ये इसको कहते हैं अंडर वैल्यू एसेट्स 1,011 की, देख लो। अब देख लो 1,011 आपके दिख रहा है आपको। अब 1,011 जो दिख रहा है ना, तो अदानी एंटरप्राइज ने उसका जो 4,190 रुपये का जो इतना उसका हाई था, तो इसके करीब, इसके ऊपर उसे ले जाना है ये 4 घंटे की कैंडल ने। ये देख लो इस तरह से ले जाते हैं लो, अभी सपोर्ट बना रहा है वो, एकदम से उड़ा ले जाएगा।
ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस मैंने आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस इसलिए बताया है बिकॉज के आप लोग है ना इस भ्रमणा में न रहे कि अदानी एंटरप्राइज में मैं शॉर्ट्स करके चलूँ। शॉर्ट्स में आपको लेवल सिर्फ उतना देखना मिलेगा कि आपको डबल बॉटम का भी आपको आधा सपोर्ट देखने मिलेगा, जैसे ये सपोर्ट है तो ये सपोर्ट है, बस बात खत्म हो गई। इस चैनल को जैसे टच किया नहीं, ये चैनल का जैसे सेटलमेंट किया नहीं 21,219, इसीलिए मैंने ये प्रीमियम जो है ना, ये प्रीमियम मैंने आपको 219 का, मैंने आपको ये 119 का मैंने आपको लोअर दिखाया। अब इसे कहते हैं 100% एक्टिव। जब 1,000 रुपये का मान लो उसने लोअर दिखाया तो उसे प्रीमियम के अंदर 1,000 के 2,000 चाहिए भैया, यहाँ पे तो प्रीमियम के अंदर उसको 1,000 के 2,000 मिल गए तो बेड़ा पार हो गया। जो अदानी एंटरप्राइज ने आज खुद की प्रमोटरशिप काट दी थी, खुद के पास जो होल्डिंग पड़ी थी वो मार्केट में रिलीज कर दी थी बिकॉज उसका कर्ज जो बढ़ गया था, वहां पर उसका लोन के किस्त थे वो भरनी बाकी थी, लोन के ईएमआई भरने थे वो छोड़ देने थे, कहने भरने थे, तो अपनी रेपुटेशन को उसने संभालने के लिए, अदानी एंटरप्राइज ने अपनी रेपुटेशन को कंट्रोल में करने के लिए अपनी जो टीआरपी है या मार्केट में उसकी जो रेटिंग है उसको कंप्लीट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसने अपनी प्रमोटरशिप को शेष स्टेक होल्डिंग को निकाल दिया। और जैसे तैसे करके अपने आप को कंट्रोल करके उसने क्या किया, ये रजिस्ट्रेशन किए, यानी वापिस से उसने 2526 तक के, 2600 के जो 24 तक के आपको जो कटार है ना वो आपको दिखाई दी यहाँ पे। अब तो भैया ये पीवोट पे आया, और पीवोट का सेटलमेंट जो पड़ा है ना, ये इस कैंडल के, लाल कैंडल के 2938 के कैंडल पे पड़ा हुआ है, जिसे कहते हैं कि भैया 8972 यानी 720 डिग्री का यहाँ पर हाई बात की। तो यहाँ पर कैसे मान सकते हो कि आप उदाणी एंटरप्राइज गिरने वाला है? जो ये प्रीमियम है ना 2600 रुपये का यहाँ पर ये चला रहे हैं ना, ये प्रीमियम को जो चला रहे हैं ना मान लो, तो ये प्रीमियम को चलाने की वजह क्या है पता है? कि इसी प्रीमियम को 2668 यानी प्राइस क्या चल रही है, प्राइस क्या चल रही है 2400, और ये मार्केट का इसका प्रीमियम क्या है 260 है, और 2416 तो भैया है ना इसका हाई है 2416। 2416 कहाँ से लेके आया मैं बताया, ये 164.52 यानी इस चीज को आप मल्टीपल, इस चीज को आप सिर्फ घुमाओ तो आपको 2464 आपको दिखाई देगा, 2454 भी दिखाई देगा आपको। तो उसका मतलब क्या हुआ, 2454, 2454 का मतलब कि मार्केट की प्राइस कहाँ पर है यहाँ पे 2416 पे, तो 2454 पे तो 2754 पे तो आई नहीं है यहाँ पे, 2416 पे है तो 2754 पे तो यहाँ पे आई नहीं है। तो 2754 तो क्या है उसका, जो 2754 में आपको यहाँ पर लाके दिखाता हूँ, 2754, 2754 ये रहा, 2754 ये रहा, तो 2754 जो है ना उसका डबल टॉप है, यानी वहां पर जाके अपनी प्राइस स्पॉट में आएगी और वहीं पर जाके उसकी जो प्रीमियम है वो एक रजिस्ट्रेशन पे आएगी आएगी, यानी ये रजिस्ट्रेंस है ना वही बन जाएगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यानी जो मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, वो 2775 पर लाने के बाद में, 2768 पे लाने के बाद में वहां पे जाके कंसोलिडेट करेगा कि अब मैं जाके एक नया सपोर्ट बनाऊं। तो नया सपोर्ट भैया बहुत ही करीब, और इसी सपोर्ट पर ये सपोर्ट बना रहा है, उसका मतलब इसे सपोर्ट बनाना तो मार्केट में रेजिस्टेंस के ऊपर इस चैनल पर ले जाया करते, यहाँ पे 3075 है। देखो अभी आ गया लॉजिक, 15 का हो गया 30 सीधा यहाँ पे। तो आप देख लो कि जो प्रीमियम 135 रुपये का प्रीमियम है वो यहाँ पर आपको मैं 230 का रजिस्ट्रेशन दे रहा हूँ पहली बात। तो ये है ना नेक्स्ट वीक की फ्यूचर एक्सपायरी के अंदर आपको ट्रेड करना है और एसएल के साथ लगाना है। तो यहाँ पर मैंने जाके ढूंढा कि हैवी वेटेड स्टॉक किस तरह से ट्रेड करते हैं और आपको कौन सी स्ट्राइक और कौन सी एक्सपायरी की लेनी चाहिए और किस तरह से आपको उसको बाय करनी चाहिए एसएल के साथ में। तो आशा रखता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपने कुछ फिजिक्स सीखे सीखी होगी कि मैंने अदानी एंटरप्राइज को कैसे रिसर्च किया, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन निकाला, कैसे उसके रजिस्ट्रेशन को मैंने यहाँ पर देख लो 295 की फिगर यहाँ पे बन रही है, लास्ट 295 की, अगर मान लो 592 भी अगर मैं गिन ले जाऊँ ना, तो 592, 592 का अगर मैं आधा भी करता हूँ ना यहाँ पर मान लो 592 और माइनस इसका 2 भी करता हूँ ना, तो 296 रुपया होता है यहाँ पे। तो ये प्रीमियम देख लो कहाँ पे चल रहा है, यहाँ पर इसका 296 रुपये प्रीमियम हो रहा है। तो मेरा मेरा जो तजुर्बा है तो ये 296 रुपये के प्रीमियम को रजिस्टर करने जाएगा, तब तक नीचे नहीं आएगा। ये 296 रुपये यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर भी 296 देखने चाहिए बिकॉज ये 256, और ये जो है ना ये सपोर्ट होता है, नया वाला सपोर्ट बनता है, तो कुछ दिन यहाँ पर सस्टेन करेगा फिर उसके बाद में वापिस से ऊपर जाएगा। यानी ये जो टारगेट है ना इसका, ये 272 से लेके 300 यानी 369 के प्रिंसिपल से हिसाब से गिनने जाओ तो 3 यहाँ पे बनता है, जहाँ पे डबल टॉप डबल बॉटम बना। अब जो भैया 6 है ना वो यहाँ पे 2-2-2 पे बनता है, यहाँ पे ट्रिपल ट्रिपल टॉप ट्रिपल ट्रिपल टॉप होता है, ट्रिपल टॉप का मतलब 2-2-2 हो गया 6,
अब दूसरा जो तीन है ना वो ऊपर है और नौ जो है यहाँ पे, 6, 2, 8 और 9, 10। तो ये जो 9 संख्या आती है ना वो यहाँ पर आती है। तो कहने का मतलब ये 9 की संख्या यहाँ पर आई, तो इसने तो क्या किया, 2 दूनी 4 दूनी 6 और ऊपर सीधा आ गया सीधा, यानी सीधा गुणाकार करते हैं, भागाकार करते हैं, बात खत्म करते हैं। यहाँ पे 300 रुपये का आस पास पे इसका टारगेट ही प्रीमियम था। कहने लेकिन आपको क्या करना है, आपको सूझबूझ के साथ हमारे साथ ग्रुप में ज्वाइन करके, कि मैंने ये सिर्फ टारगेट दिखाया लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं दिखाई है जो कौन से दिन क्या कर सकता है। इनके दिन तय किए हुए थे और तय के हिसाब से दिन के अंदर ये लोग मैनिपुलेट करते हैं प्राइस को, जिसे कहते हैं कि भैया ट्राइंगल बरमूडा बनाना, जिसको कहते हैं ट्राइंगल बरमूडा, इसे ट्राइंगल बरमूडा कहते हैं। और ट्राइंगल बरमूडा का तोड़ना है ना बहुत कठिन है, बिकॉज ये वहाँ पर आपके अंदर पेशेंस चाहिए और आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको कुटिक के अंदर, शॉर्ट्स के अंदर, रिवर्स चार्ट के अंदर किस तरह से कमाना है। ये तो सीधा एक चार्ट है, मैं तो रिवर्स का चार्ट भी देखकर आपको सिखा देता हूँ कि वहां पर कैसे कमाना है, ताकि आप ये समय पसार जो कर रहा है ना, मान लो आपका पैसे लॉस दिखा कर दो, वो आपका ना कर पाए फ्यूचर एक्सपायरी के अंदर। तो ये मान के चलो कि मार्केट में भैया आपको एक अच्छा मेंटर मिलता है और जिसकी एक्यूरेसी लोअर पर पूरी कंप्लीट है, लोअर पर पूरी कंप्लीट है, मतलब कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ मेरी लोअर पर एक्यूरेसी कंप्लीट। देखो लोअर अगर मान लो निकालने आ गया तो मार्केट में हायर निकालने आ गया, तो ये टारगेट जो है 275 है, 46,300 की सी जो है यहाँ पर एक्टिव हो गई है, 99 रुपये से हमने प्राइस लिए। इसकी एसएल जो है ना 33 रुपये तक का इसका लोअर है, बिकॉज की 27 जुलाई की एक्सपायरी है। तो ये लोग नीचे ले जाकर भी ऊपर 90 का ब्रेकआउट देंगे, तो वहाँ पर हमारे जो लोग हैं ना वो 27 जुलाई की एक्सपायरी में नीचे जाकर भी वापिस एक नई क्वांटिटी ऐड करके, इसका जो टारगेट 81 रुपीज का होता है जो मिनिमम रजिस्टेंस होता है, तो वहाँ पर भी हम लोग कमा कर बाहर निकल सकते हैं, यानी कोई लॉस नहीं है इस पर। 275 रुपये गया तो भयो भयो मान लो, और 275 रुपये जाएगा भी। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर आपको लोअर, तो ये होते हैं लोअर 46,200 की पुट, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज की दिखाई, तो उसी तरह इसकी दिखाई मैंने कि 46,200 की पुट जो है ना बार बार अपने डिबेट में लॉस देख रही है, अपने पोर्टफोलियो में लॉस देख रही है। तो वो लॉस का बदला किस तरह से लेगी, तो उसका लॉस का बदला जो प्रीमियम चल रहा है 872 पर, तो जो पीवोट का प्रीमियम है अभी अंडर वैल्यू एसेट्स नहीं चल रहा है, वो पीवोट पर प्रीमियम आया, तो पीवोट पर प्रीमियम आता है तो उस प्रीमियम को है ना डीके करते हैं, यानी 735 तक का लोअर देते हैं, पर लोअर के बाद में भी उसे नया लोअर देना पड़ता है, नई एक्सपायरी में जो होता है 625 तक का। तो यहाँ पर सीधा 6 2 12 यानी 3 ट्रिपल टॉप, 625 का अगर मान लो लोअर मिल गया तो ट्रिपल टॉप हो गया, होता तो ट्रिपल टॉप होता किसका है ना, ट्रिपल टॉप होता किसका। तो इसके लिए मेरी जो इसके पहले वीडियो बनाई है ना, तो वहां जाके देख लो कि इन लोगों ने फॉरेक्स मार्केट के अंदर अपना खुद का होल्डिंग बनाया था, और खुद का होल्डिंग जो लॉस दिखाया था तो उसमें उनका भी लॉस था, और नीचे का जो बॉटम है ना इनका ट्रिपल टॉप वो है, नीचे का जो बॉटम होता है ना वो इनका ट्रिपल टॉप होता है वहां पे, क्योंकि उसके फॉरेन में भी ये सब लोग ट्रेडिंग करते हैं, जिसको आप कहते हो आरडीएस के, आरडीएक्स कुछ कहते हो, तो वो जो डेटा होता है ना, तो वो डेटा यहाँ पर उल्टा काम करता है, इंडियन मार्केट में सेटलमेंट में काम करता है। तो आ तो हैवी स्टॉक के अंदर यहाँ पर जितने भी स्टॉक है, जैसे आईसीआईसी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो आईसीआईसी का टारगेट आपको अगर मैं दिखाने जाऊँ आईसीआईसी को, तो आईसीआईसी का टारगेट मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आईसीआईसी आया बराबर, अब आईसीआईसी को मैंने 4 घंटे की कैंडल के अंदर उसका लोअर, मैंने लास्ट साल का जो लोअर था ना, गजब का लोअर था उसका, जब मार्केट में नीचे ही नीचे गिरावट आ रही थी लास्ट ईयर, तो वो गिरावट आ रही थी 22 फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जहां पर मेरा मार्केट में नया नया प्रवेश हुआ था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो मार्केट किस तरह से चलता है। और ये बैकवर्डेशन में तो 645 का जो लोअर था इसका, मतलब लोअर 645 का, अब इसका है ना मल्टीपल सीधा 3 करना है, सीधा मल्टीपल 3 करना है बराबर, तो हो रहा है 1935, यहाँ पर 1935 हो रहा है, तो उसका मतलब क्या 1935 जाएगा, नहीं 1935 नहीं जाएगा। इसका जो अपर सर्किट है, अपर सर्किट का मतलब कि 1256 की अपर सर्किट होती है, तो वो आपको 300 डिग्री तक ले जाती है देखिएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 6 चौकू 24, 6 चौकू 24 होता है, 6 पंचा 30 होता था, 3,000 जो होता है, 3,000 का आप आधा मान के चलो, जिसे कहते हैं 1500, तो 1500 रुपये में आपको सिर्फ यहाँ पर 200 रुपये माइनस करने हैं, जिसे कहते हैं भाई 1286 रुपये, 1276 रुपये। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है ना, जैसे डबल बॉटम दिया है, तो यहाँ पर आपको टारगेट दिखाई देंगे के 6 7 42, 42 का मतलब कितना हुआ 27 हुआ, 42 का मतलब कितना हुआ, यहाँ पर उल्टा गिनो तो 24 हुआ, 24 का आधा कितना हुआ तो 1200 हुआ, तो 1200 का इसका रेजिस्टेंस है दोस्तों मेरे। जब तक ये 1200 तक नीचे नहीं आता ना, ये नया सपोर्ट नहीं बनता ना, ये वाला क्या करेगा पता है, इस तरह से 4 घंटे के कैंडल के अंदर ये नया सपोर्ट बनाने जा रहा है, किसी को ये पता नहीं है, किसी को ये पता नहीं है कि नया सपोर्ट बनाने जा रहा है, इसके है ना सपोर्ट बहुत करीब है, यानी समझ लो इसे सपोर्ट भी बनाने जाना और रिजेक्शन भी लेके जाना, तो 894 पर जाना पड़ेगा, 894 पर गया ना मान लो
तो ये ऊपर भी आना चाहेगा ना, तो बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पर कॉल में घुस पड़ेंगे, कॉल में घुसे पड़ेंगे यहाँ पर, उनके तो चांसेस ही नहीं है पहली बात तो। अगर मान लो नीचे चला गया तो प्रॉब्लम क्या है पता है आपको, इन लोगों की प्रॉब्लम वो है नीचे गया तो, कि वहां पर काफी सारे लोग हैं ना फिर लॉन्ग के लिए खड़े रह जाएंगे, बिकॉज के आईसीआईसी का जो भविष्य हो 1125 तक का भविष्य है यहाँ पर, 1100 1125 तक का यहाँ पर भविष्य है। तो कहने का जब तक 1122 नहीं आता है ना, 1122.70 नहीं आता है, तब तक आईसीआईसी ना लॉन्ग करता रहेगा इस तरह से मार्केट के अंदर। तो ये टुकड़ों में होता है, एकदम से नहीं होता है। तो इसके लिए मान लो आप कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, ये सारी वजह सपोर्ट रजिस्ट्रेशन की अगर सीखना चाहते हो मेरे साथ, और वो भी ग्लोबल इंडेक्स के साथ सीखना चाहते हो, तो करो कुछ नहीं, मेरा जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हो कि किस तरह से मल्टीपल किया जाता है इन लोगों को। तो ये बन गया नया सपोर्ट यहाँ पर, ये नया सपोर्ट बनता है तो क्या होता है, ऐसे ऐसे तो उछलेगा ही ना भैया, ऐसे ऐसे तो जंप कितना हुआ ऐसे ऐसे, देखो 991 का जंप है यहाँ पे, और रजिस्ट्रेशन जो ऐसे 1007 का रजिस्ट्रेशन थे, तो उसका मतलब क्या हुआ 1007 का, आपको मैं आज टारगेट ला के दिखा देता हूँ बराबर, इस एक्सपायरी के अंदर ही समझ लो, ये महीने के अंदर बोलो, या ये महीने के अंदर ही आ जाएगा ना, इसको कोई लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, 1007 और 1015 इसका रजिस्ट्रेंस है मान लो, इधर एक नया रजिस्ट्रेशन छोड़ने के बाद 1023 को नया रजिस्ट्रेंस, 1022 को 1000, और ये जो पीवोट है ना, ये पीवोट यहाँ तक उसे जाना पड़ता है, अगर मान लो रजिस्ट्रेंस क्रॉस किया ना, तो उसके बाद में यहाँ पर एक सर्किट छोड़ने जानी पड़ती है, जिसे कहते हैं 1027 की 1033 की सर्किट छोड़ने जानी पड़ती है, वो बोलते हैं ना कैंडल का वीक जैसे, कि ये कैंडल का वीक जैसे, आप देख लो ये वीक मिला है यहाँ पर, तो ये जिस तरह से यहाँ पे छोड़ने गया था बराबर, तो ये 7 95 35 लिखा है यहाँ पे, 795 का मतलब पीछे 35 लिखा है, पीछे 35 लिखा है, उसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो रजिस्टेंस है दो जगह बनने वाला है यहाँ पे, जैसे 1026 पे भी बनने वाला है यहाँ पे, और दूसरा बनने वाला है 1036 पे भी बनने वाला है, और तीसरा जो टारगेट है 1045 के, इसका टारगेट है, इसी तरह इनके टारगेट आते हैं, और ये उसके सपोर्ट होते डबल बॉटम के। आशा रखते हैं इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ अच्छी अपडेट मिली होगी, और किस तरह से मेरा रिसर्च है, और उस रिसर्च के अंदर मान लो आपने जो नीचे के लेवल है, जैसे कि नीचे के लेवल है, तो नीचे के लेवल को वो लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं करते, लेकिन वो कब करते हैं, किस तरह से करते हैं, अगर मेरी स्ट्रेटेजी आप डेली सीखने जाओगे तो डेली काम नहीं आएगी आपको ऑप्शन प्रीमियम के अंदर। इतना जरूर हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट की तरह आप कमा सकते हो, होल्डिंग में आप कमा सकते हो ये सेलर्स की तरह, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग इज ए रिस्की ट्रेडिंग, वहां पर आपको एक मेंटर की जरूरत है, और वो मेंटर जब आपके साथ में रहेगा तो आपको ये चीज बता पाएगा कि देखो 130 डिग्री जो है यहाँ पर, 130 डिग्री के नीचे भी 90 डिग्री की SL है, और उसके नीचे 66 की भी एक SL है, तो यहाँ पर आपका जो लॉस रेशियो होता है ना वो मिनिमम रखकर वो काम करवाना आपको सिखाता है। आशा रखते हैं इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई कि हैवी वेटेड स्टॉक के अंदर किस तरह से जाके चुनते, और किस तरह से वहां पे जाके डेटा एनालिसिस करते हो, डेटा एनालिसिस बाद में आप किस तरह से उसमें एंट्री बनाए, तो ये सारे के सारे स्टॉक जो है ना ये हैवी वेटेड स्टॉक है यहाँ पर, महिंद्रा महिंद्रा मैंने कॉल दिया था, मैंने ICICI का दिया था, मैंने यहाँ पर मैंने रिलायंस का भी कॉल दिया था, मैंने यहाँ पर HDFC की कॉल दिया, सभी कंपनी के स्टॉक जो पर्टिकुलर अगर मान लो मिलने जाओ तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर देख लिए, तो मेरी यूट्यूब चैनल है ना, करना कुछ नहीं है आपने, उसमें जाके ना सारी समरीज देखनी है कि उस समरीज में किस तरह से कि जो भी क्या मैंने बोला वो हुआ है, अगर हुआ है, और ऑप्शन प्रीमियम की भी मान लो वहाँ पर आपको लोअर मिले, तो ऑप्शन प्रीमियम के लोअर का मतलब क्या हुआ कि टारगेट आपके हिट हो गए, अगर टारगेट आपके हिट हो रहे तो सपोर्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टारगेट तो आप लोग कमा रहे, तो कमा रहे हो तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आपको कोई अच्छा मेंटर मिल गया, तो अच्छा मेंटर मिला है तो काम करो ना उसके साथ, दिक्कत क्या है यार, पैसा नहीं है प्रॉब्लम, वो नहीं है हिम्मत नहीं है वो प्रॉब्लम है, 5,000 रुपया निवेश का अगर मान लो 18,000 बनता है इसी ICICI पर, या इसी अदानी एंटरप्राइज पर, मैं सीखने कोई बंदा आता है सीखने, और मेरा वही कॉल उठाता है 130 का प्रीमियम, और प्रीमियम चला जा रहा है उसका 300 रुपया, तो कितना गुना मुनाफा होगा मुझे बताओ, चलो उसके लॉट साइज के हिसाब से अगर वो 120 पर एंट्री ले रहा है मेरे साथ, और एंट्री लेने के बाद में वहाँ पर 110 का उसके SL है, और SL करने नहीं जाता अगर मान लो, और वो 300 तक होती 3 दिन तक खड़ा रहता है, या 285 तक खड़ा रहता है, 272 तो 272 रजिस्ट्रेंस है, तो वो यानी स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में अगर ऊपर जाता है तो कितना गुना मुनाफा, 5,000 रुपये का यहाँ पर 35 से 50 हज़ार 55 हज़ार होता था मार्केट के अंदर, कभी कभी 1.5 लाख रुपये भी हो जाता है यहाँ पर, जो तीन है ना तीन, वो वहाँ पे समझ लो कि 75,000 का वहाँ पे प्रॉफिट देखने मिलेगा, लेकिन वो एजुकेशन होता है ना उसके साथ, बाकी वो पटांग हरकत अगर इंसान मार्केट के अंदर करने गया, और ऐसे एक लवे की तरह मान लो कोई गुरु मिल गया है तो वो सिखा रहा है हमें फ्री में, तो समझ लो यूट्यूब के जरिए, तो वो जिस तरह से गुरु द्रोणाचार्य के साथ एक लेवल ने चीटिंग की थी और अंगूठा उसका कट गया था ना, तो किसी दिन मान लो ऐसा होगा ना, एक दिन ऐसा होगा 100 सुनार के एक गुहार की वहां पे आपका अंगूठा कट जाएगा, अंगूठा कटना मतलब क्या कि डिबेट साफ हो जाएगा एक दिन के अंदर, ऐसे भी लोग मैंने देखे जिनको मैंने बचाने की कोशिश की कि आज मेरा तरीका इस्तेमाल मत करना आप लोग,
आज जो अगर मेरा तरीका इस्तेमाल करने गए मान लो, तो आपका जो है ना पूरा डिबेट साफ हो सकता है। और ऐसे लोगों को मैंने एक नम्र विनंती की थी कि मत करो मेरा तरीका इस्तेमाल, मेरी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल मत करो यहाँ पर। और उस दिन वो बंदे ने किया, 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ जिसने मेरा अनुकरण करने किया था यहाँ पर। तो ये है ना बहुत गलत तरीका है। प्रीमियम होता है और कोर्स होता है, और ये कोर्स के अंदर आपको 100% लोअर की अपडेट दी जा रही है कि लोअर ये है, हायर को छोड़ो लेकिन लोअर को पकड़ लिया। 90 डिग्री से 7 डिग्री का फॉर्मूला आपने देख लिया ना, मान लो मेरे पास सीख लिया मेरे पास बैठ कर, तो ये जो लोअर थंबनेल पे दिखे ना वो लोअर आके रहे। 66 के लोअर दिए थंबनेल में बना के रखे, वो आके रहे पहली बात तो। और ये और लोअर देने जा रहे, 20 मिनट की वीडियो है। यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट ऐसे जो सबसे अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि अब तो बस पूटी चलेगी गई भैंस पानी में, उन लोगों की पूट चल के रही यहाँ पर, सपोर्ट बनाने आ रही थी। जबकि मैं बोल रहा था कि टारगेट जो है ना, यहाँ पर हर किसी को मैंने बता के रखा मेरे ग्रुप के अंदर, यहाँ तक कि मेरे जो बॉस है जिस कंपनी के अंदर मैं काम करता हूँ यहाँ पर, तो उनको भी मैंने बता दिया था कि सर जो है ना टारगेट जो है ना ऊपर के है, सारे के सारे टारगेट के ऊपर के। तो यहाँ पर उनको मैंने टारगेट बताए थे, जैसे के मार्केट के टारगेट 46,300 के टारगेट, मेरे उनको मॉर्निंग में अपडेट दी थी और 45,500 को गया अभी से। 45,500 के तो 2 दिन पहले की अपडेट है। यहाँ पर 200 का प्रीमियम मैंने बाय बोला था करने को, जब 200 पे लोगों की हिम्मत नहीं होती वो प्रीमियम ना 750 चला गया यहाँ पर। और वही प्रीमियम 7/21 यानी तकरीबन वो 1900 रुपये और 22 रुपये जाने की तैयारी कर रहा है फ्यूचर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सीखना जरूरी है यहाँ पर, समझना जरूरी है। जितने भी स्टॉक मैंने दिए, हैवी वेटेड स्टॉक दिए, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि इन सारे स्टॉक पर ना घुड़ी पे सवार चढ़ के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 45% तक का आपको मुनाफा देने वाले, 55% तक का आपको मुनाफा देने वाले, छाती ठोके कहा था मैंने, ताल ठोके कहा था। चिल्लर अगर कमा के बाहर निकलना हो ना, मान लो थोड़ा बहुत कि 5,000 मिला, 10,000 मिला, 2,000 मिला, तो फिर आप बाजार में कहीं भी जाके ऑप्शन ट्रेडिंग करो, कॉल प्रोवाइड मिलती है वहाँ पे आप कॉल। लेकिन लॉन्ग टर्म चाहिए, मान लो डिग्री का अगर मान लो एक्सपीरियंस चाहिए तो मेरे पास आपको मिलेगा 100%। आशा रखता हूँ, मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। दूसरी चीज़ है, डीमेट अकाउंट नहीं है अगर कुछ गड़बड़ है तो, जीरो ब्रोकरेज के अंदर देखो, ब्रोकरेज का एक प्लान निकला है अभी मार्केट में, बहुत सारे लोगों ने अपना डीमेट बंद करवा दिया पहली बात तो। और जो डीमेट बंद होते हैं ना तो किसी को पता नहीं चलता है, सबको ऑप्शन प्रीमियम का चस्का लगा हुआ है। और ऑप्शन प्रीमियम चस्का एक ऐसा चस्का है ना कि जहाँ पर लोग शॉर्ट ज़्यादा सीख रहे हैं लॉन्ग कम सीख रहे हैं। तो मार्केट ने इस बार क्या किया, लॉन्ग किया और सबके डीमेट साफ कर दिए, जबकि लोगों को शॉर्ट्स का एक्सपीरियंस दिया गया मार्केट अंदर गए साल के अंदर। तो सबके डिमेट मतलब अभी 1 महीना ब्रोकरेज सबके अंदर फ्री कर दिए, सभी डिमेट के अंदर 1 मंथ ब्रोकरेज फ्री। तो यहाँ पर एक अपडेट मुझे मिल के आई है, मैं जहाँ पे मेरा डिमेट ओपन हो तो मैंने बताया भैया डिमेट साफ हो रहे हैं, समझ लो यानी नया डिमेट ओपन करने की यहाँ पर बारी आ रही है। तो हमारा जो डिमेट है पेटीएम का डिमेट है तो वो भी जीरो ब्रोकरेज 1 महीने के लिए। और मेरा जो तजुर्बा है इस तजुर्बे के साथ आपको काम करना है, तो मेरे साथ अगर डिमेट ओपन कर लिया ना मान लो आपका बेड़ा पार हो गया। यहाँ पर मिनिमम लॉस है मैक्सिमम प्रॉफिट का रेशियो, और मिनिमम लॉस के अंदर भी हमें मान लो लॉस हुआ है तो हमें उस पर ब्लेम करना नहीं है, किसी पर ब्लेम करना नहीं है कि भैया आपकी वजह से मेरा लॉस हुआ, ये बोलना नहीं है। अगर मान लो ये बोल लिया तो मार्केट आपसे गुस्सा हो जाएगा पहली बात तो, यहाँ पर चिड़चिड़ाहट होती है, यहाँ पर डिमोटिवेशन होता है। तो इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है मार्केट के अंदर, कोई महत्व नहीं है यहाँ पर मार्केट में। तो कहने वाला कि आप है ना सीख कर काम करोगे तो अच्छा है। यहाँ पर आईसीसी का लॉन्ग मैंने 1,60,000 का दिया हुआ है, ये सारे लोग प्रॉफिट कमा के आए वो लोग हैं। यहाँ पर कल जो एक बंदे ने ना तकरीबन 56,000 रुपये तक का प्रॉफिट सिर्फ की कॉल के अंदर निकाल लिया था, पुट के अंदर, फिर निफ्टी के अंदर। ये सारे लोग जो है ना मेरे सीखने के लिए जुड़े यहाँ पर, तो आप भी सीखो, आप भी जुड़ो, आप भी कमाओ। ठीक है, जय 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 भारत।